अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये हमारे पीछे जो आपको नज़र आ रही है मस्जिद, जहाँ जिसके ऊपर कबूतर बैठे हुए हैं, ये मस्जिदुल अल गमामा है, जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी बारिश के लिए और यहाँ पे बारिश हुई थी। ये गेट नंबर 310 के ऊपर है। 310 से आप मेन गेट जो है बाहर वाला, 310 से आप बाहर निकलेंगे, साथ ही ये मस्जिद अल गमामा है और साथ ये वाली मस्जिद हम दिखाएँ ज़रा कैमरामैन। ये वाली मस्जिद ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मस्जिद है और ये इसके पीछे हज़रत अली की मस्जिद है। अब इधर से नज़र नहीं आएगी, वो आपको हम घूम के दिखाएंगे। यहाँ पे आके आपने ज़ियारत करनी है और दुआएं मांगनी है। मस्जिद अल गमामा 310 नंबर गेट जो मेन गेट होता है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे पता नहीं होता तो फिर काफ़ी परेशानी होती है। हमें खुद बहुत परेशानी हुई है, क्योंकि बहुत सारे गेट हैं, तकरीबन 450 गेट है इसका, तो समझ नहीं आती कि कौन सा गेट पर क्या है। और यहाँ पर पाकिस्तानी भी बहुत कम है, बताने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए पता नहीं चलता। ज़्यादातर यहाँ पर बंगाली हैं तो वो उनका पता नहीं चलता, वो अजीब ही उनकी ज़बान है तो उनका इतना हाल पता नहीं चलता। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि आप लोगों को बता दें, जो हमारी वीडियो देखेगा इंशाल्लाह वो मदीने आएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो नया है या पहले भी आ चुका है। इंशाल्लाह आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको पहले से पता होगा कि किस दरवाजे के ऊपर क्या ज़्यारत है और हमने वहाँ पे क्या करना। जाके यहाँ पर आकर आपने दुआ करनी है, अपनी रो रो के गिरग्राएँ करनी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर दुआ कबूल हुई थी, हमारी भी यहाँ पर दुआएं कबूल होंगी। एक दफ़ा हम दुआ करते हैं। खास करके भाई मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हर फरमाए और नेक कोई जो है ना हुक्मरान वहाँ पे अल्लाह ताला हमें अता करें। तो एक दफ़ा देख लें, अंदर से भी कोशिश करते हैं हम आपको दिखाने की, बाद में हज़रत अली की मस्जिद भी आपको दिखाते हैं। ये मस्जिद अल गमामा आपको ज़रा पास जाके आपको दिखा देते हैं, ज़ियारत करवा देते हैं। बड़े नसीबों वाली बात है, यहाँ पे भी बंदा अगर आ जाए, काफ़ी लोग आते हैं लेकिन सारी ज़्यादा पूरी नहीं हो पाती, कुछ लोगों को पता नहीं चलता और कुछ बताने वाले भी नहीं होते। ये देखें अंदर से, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ मस्त कर सकते हैं, तस्बीह वगैरह हम भी लेके आए हैं मक्का को मस्त करके, यहाँ पे भी इंशाल्लाह मस्त करेंगे, अपने करीबी बहन भाइयों को वो गिफ्ट देंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये दूसरी तरफ औरतों का गेट है, यहाँ पे सिर्फ औरतें नमाज पढ़ती हैं, औरतें दाखिल हो सकती हैं। ये गेट मर्दों का, इधर मर्द जाते हैं, और ये गेट सिर्फ औरतों का, यहाँ पर औरतें ही जा सकती हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ औरतें जाएं। ये देखें, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मस्जिद है, सुभान अल्लाह। वो आपके पीछे मीनार नज़र आ रहा है, वो हज़रत अली की मस्जिद है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है। ये सारी ज़्यादातें आपको 310 नंबर मेन गेट से आप बाहर निकलेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगी। हो सकता हो तो कोशिश करें कि इस यहाँ पर भी आके नमाज पढ़ें, मस्जिद गमामा के अंदर आप नमाज़ पढ़ें, ये भी बड़ी बरकत वाली बात है। कोशिश करें यहाँ पे आके एक दफ़ा यहाँ पे भी नमाज़ ज़रूर पढ़ें। ये पूरा ग्रुप लगता है कि एक ही मुल्क से आया है, चाइना का लग रहा है, इंडोनेशिया का, सुभान अल्लाह। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मस्जिद है तो अभी बंद है, तो अंदर जाने को नहीं दे रहे, पता नहीं क्या मसला है, तो अंदर नहीं जाने दे रहे। दूसरी मस्जिद आप मस्जिद अल गमामा में जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। ये बाहर लगता है ज़ेर तमीर है, कोई चीज़ें रह गई इसकी, वो मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप फ्रंट से भी देख सकते हैं। दोस्तों इस तरफ हम आए हैं लेकिन यहाँ पे हज़रत अली की मस्जिद दूर से नज़र आ रही है, इधर रास्ता नहीं है, बंद है। इंशाल्लाह हम दूसरे रास्ते से जाके आपको कोशिश करेंगे कि दिखा सकें, इधर से तो ठीक नज़र नहीं आ रही। ये चारों तरफ आप देख लें,
ये दुकानें वगैरह हैं। तो दोस्तों इजाजत चाहता हूँ इसी के साथ, इंशाल्लाह बाद में आपको हजरत अली की मस्जिद भी पास जाके दिखाएंगे।